स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी आर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस। सो बेटा, अब तक हम अपने चैप्टर नंबर 9 डेवन एंड पीटीएस में क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग कर चुके हैं और रीडिंग भी हो गई है। आज हम आते हैं अपने बेटा बुक की एक्सरसाइज में। देखो स्टूडेंट्स, अगर आप सभी को रीडिंग आती है, रीडिंग क्लियर है, उसकी उस चैप्टर की समरी क्लियर है, तो बेटा आप ये एक्सरसाइज इजीली अपने आप भी कर सकते हैं। ओके बेटा, ये एक्सरसाइज है आपकी, इसमें आपको टिक द करेक्ट आंसर करने हैं, ठीक है? इनमें जो आंसर आपके राइट है, बिल्कुल करेक्ट है, उनको आपको टिक करना है। यस बेटा, आपको इनमें जो भी इनका आंसर सही है उन पर आपको टिक करना है, ठीक है बेटा? जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द नेम ऑफ द विक्ट किंग वॉज, विक्ट का मीनिंग मैंने आपको लिखवाया हुआ है, विक्ट का मतलब होता है दुष्ट, ठीक है? वाज डेमन और डियोनिसियस, यानी कि जो दुष्ट राजा था उनमें से कौन, उसका नाम क्या था, ठीक है? जो आइलैंड पर जो राजा शासन करता था उस राजा का नाम क्या था, डेमन या फिर डियोनिसियस, क्या नाम था उसका? भाई डेमन तो पिथियस का फ्रेंड था, तो ये तो हो नहीं सकता, डियोनिसियस उसका आंसर। सेकेंड, डेमन या पीथियस में से डिड समथिंग दैट अनॉयड द किंग, यानी कि इन दोनों में से किसने ऐसा काम किया था कि वहां के राजा को परेशान होना पड़ा, उसको गुस्सा आ गया था, बताओ? डेमन ने किया था, पीथियस ने? पीथियस ने क्या किया था, उसने जूते पहने हुए थे, जब वो राजमहल के पास से गुजर रहा था उसने जूते पहन रखे थे। थर्ड क्वेश्चन, इन दोनों में से किसने took his friend's place in prison, इन दोनों में से किसने अपने दोस्त के स्थान पर जेल में रहा था, कौन सा रहा था, कौन सा रहा था, बताओ? पीथियस या डेमन? सजा पीथियस को हुई थी, परंतु जेल में कौन रहा था? डेमन। नेक्स्ट फोर्थ है बेटा, इन दोनों में से हु वेंट होम टू बिड गुड बाय टू हिज फैमिली, इन दोनों में से कौन अपने परिवार वालों को अंतिम बार अलविदा कहने के लिए गया था, बताओ? इनमें से कौन गया था? पीथियस, क्योंकि डेवन तो कहां था, जेल में था उस टाइम, ठीक है? तो पीथियस गया था। एंड फिफ्थ इज, इन द एंड बोथ डेवन एंड पीथियस वर पनिश्ड या सेव, बताओ? वो लास्ट में उन दोनों को या फिर वो सुरक्षित रहते हैं, बच जाते हैं, लास्ट में वो राजा उनको छोड़ देता है। ओके बेटा, वो आपकी बुक की फर्स्ट एक्सरसाइज थी। फिर उसके बाद बेटा आपकी बुक में बी पर क्वेश्चन आंसर्स थे, वो हमने कर लिए हैं। अब है क्वेश्चन नंबर, जो एक्सरसाइज है एक्सरसाइज नंबर सी, उसमें आपको क्या करना है, करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब फिल करनी है। अगर जरूरत पड़े तो आपको इज एम आर का भी यूज करना है। देखो, सबसे पहली बात तो ये आपको सेंटेंस में टेंस को पहचानना होगा, ठीक है? वैसे बता देते हूँ शॉर्टकट में, अगर किसी भी सेंटेंस में हमें पहचानना है पास्ट टेंस को, तो उसमें बेटा या तो यस्टरडे मिलेगा, यानी कि बीता हुआ कल, लास्ट डे, लास्ट मंथ, लास्ट ईयर, लास्ट नाइट, या फिर ये मिलेंगे, ठीक है? वो पास्ट टेंस के लिए है। ऐसे में हम हमेशा वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगाएंगे, पर अगर मान लो ये नहीं मिलता है तो हमें इज एम आर का यूज करना और वर्ब के साथ आईएनजी और लगानी है, ठीक है? जैसे एक एग्जांपल बताती हूँ। फर्स्ट है, सलमान आंट ब्लैक होम फॉर डिनर दिस इवनिंग, ठीक है? तो इसमें आई हैव विल कम दिस इवनिंग, दिस इवनिंग का मतलब है आने वाली जो शाम है, ठीक है? अभी आई नहीं, आने वाली शाम, आने वाली आने की अभी आई नहीं है, जो आ चुकी है पास्ट, जो आ रही है प्रेजेंट, जो आएगी वो फ्यूचर, ठीक है? आने वाली जो शाम है उसको आएगी, तो विल कम आएगा इसमें।
ठीक है। यूज होगा। ओके बेटा।